नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के लक्ष्मण बाग स्थित महात्मा गांधी की तस्वीर पर आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने के मामले में पुलिस के द्वारा वहां के पुजारियों के साथ की गई कार्यवाही से नाराज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने चेतावनी रैली निकाली और कमिश्नर कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले में ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के सामने आ जाने से मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। लक्ष्मण बाग के पुजारियों से जांच के दौरान राष्ट्र द्रोही शब्द लिखवाकर रीवा पुलिस अब नई उलझन में फंसती नजर आ रही है। दरअसल अब पुजारियों को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी का समर्थन भी मिल गया है। दरअसल ये काफी दिनों बाद हुआ है कि किसी मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी स्वयं खुलकर सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि रीवा में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में दशहरे के दिन चेतावनी रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर विभिन्न मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची और कमिश्नर कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने बताया कि बीते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लक्ष्मण बाग स्थित बापू भवन में लगे महात्मा गांधी के फ्लैक्स में कुछ शरारती तत्वों द्वारा आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर वहां के पुजारियों को प्रताड़ित किया था और उनसे न सिर्फ कोरे कागज में हस्ताक्षर करवाए बल्कि राष्ट्रद्रोही जैसे शब्द भी लिखवाए गए, जिससे व्यथित होकर पुजारियों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और खुद को काफी अपमानित महसूस किया। इसी के विरोध में ब्राह्मण समाज द्वारा चेतावनी रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के कृत्य में पुजारी शामिल नहीं हो सकते। पुलिस अपनी कार्यवाही में असली अपराधियों को पकड़े और पुजारियों को प्रताड़ित करना बंद करे। संजय त्रिपाठी ने कहा कि लक्ष्मण बाग के आसपास के इलाके में नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है, जिसमें कई अपराधी भी शामिल रहते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा पुजारियों के साथ की गई कार्यवाही से हमारे संगठन में नाराजगी है और हम चाहते हैं कि पुलिस उचित कार्यवाही करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी करे। क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप? कि पुजारियों के साथ जो है पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया उनको, और जिस काम के लिए बताया गया कि पुलिस ये पुजारी करेंगे, तो पुजारियों का काम ही नहीं, वो तो हम लोगों के हिंदू समाज के वरिष्ठ लोग हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, और ये जो कृत्य निश्चित रूप से कोई शरारती तत्व तो है, तो उनको ढूंढे पुलिस, उनको उनसे बात करे। इनका कोरे कागज में दस्तखत बनवाना है और फिर इनको प्रताड़ना करना, तो ये बेचारे 10 दिन से खाना पीना छोड़े हुए हैं। तो इस तरीके का विरोध हम लोग करते हैं और आगे भी पुलिस प्रशासन को ये बिल्कुल चेतावनी है कि ऐसा काम न करें जिससे समाज में जो है ये सब माहौल बिगड़े, और बस यही है हम लोग का। आज ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हो, क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारियों द्वारा? अब ज्ञापन में अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, और अगर गलत है तो उसमें जो गलत लोग हैं जिन्होंने ऐसा लिखा है राष्ट्रद्रोही वही लिखा है जो गांधी जी के प्रतिमा के नीचे, उनको ढूंढे वो। लेकिन इसमें निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि पुजारी तो निश्चित रूप से नहीं है इन सब कामों में। पुजारी पूजा करने के लिए वहाँ है, और जो वहाँ जाते हैं न्यूसेंस करते हैं, कोरेक्स पीते हैं, नशा करते हैं, गलत गतिविधियाँ करते हैं, वो हैं। और पुलिस अगर सही जांच करेगी तो निश्चित रूप से सही पता लगेगा गलत व्यक्तियों को जो है इसमें ना करेगी। पूरे लक्ष्मण बाग में अव्यवस्थाओं का आलम है, वहाँ के पुजारी भूखों पर रहे हैं, भगवान का भोग नहीं लग रहा है, इस विषय में आप क्या करेंगे? इस विषय में हम लोग जितना हमारा संगठन कर सकता है करेगा, और बाकी हम प्रशासन से भी प्रयास करेंगे जो भी अव्यवस्थाएं उसको दूर हों। हम लोग देखेंगे क्या अपन कर सकते हैं और क्या प्रशासन से करवा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।